हम सब जानते हैं कि मोरिंगा में बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होता है और अगर मैं इसे गिनाने बैठूं तो पूरी वीडियो उसी में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम मोरिंगा को यूज़ करते हैं सांभर में, दालों में या किसी मिक्स सब्जी में। मोरिंगा से एज इट इज़ हम और भी कई सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं, तो आज हम मोरिंगा की एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी देखेंगे। मोरिंगा हैज़ अ हाई सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, इसलिए बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपको जितने मोरिंगा के बनाने हो आप उतने मोरिंगा ले सकते हैं। नॉर्मली दो लोगों के लिए 2 या 3 मोरिंगा लेना काफ़ी होता है। तो मोरिंगा को सबसे पहले हम टुकड़ों में काट लेंगे और उसके बाद इसे हम छील लेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ा सा आप ध्यान दे के इसे छील लें, हल्का हल्का सा छील लें, और उसके बाद मोरिंगा को हम बहुत अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद टॉवल में इसे हम सुखा भी लेंगे। तो एक प्लेट में मैं सारे धुले हुए, साफ़ किए हुए, कटे हुए मोरिंगा को ले लेती हूँ और इसमें हमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च। ये आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हींग भी डालते हैं, 2 चम्मच इमली का पल्प। मैं आज यहाँ 4 मोरिंगा का बना रही हूँ तो मैं यहाँ 2 चम्मच इमली का पल्प डाल रही हूँ। इमली का पल्प डालने से एक तो इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है, हल्का सा खट्टापन आ जाता है, और दूसरा इमली का पल्प गीला होता है तो इसके ऊपर की कोटिंग इस पर बहुत आसानी से चिपक जाती है। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही थोड़ा रहने देते हैं ताकि थोड़ा सा इसमें मसाले अंदर चले जाए। और इधर एक प्लेट में मैं ले रही हूँ 3 बड़े चम्मच सूजी और इसमें मैं साथ में ऐड कर रही हूँ 1.5 बड़े चम्मच चावल का आटा। इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और ये हमारा जो मोरिंगा अभी तक इमली के पल्प के साथ मैरिनेट हो रहा था इसे हम निकाल कर ये चावल का आटा और सूजी मिला के जो रखा है इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन एक साथ पूरे मत डालिएगा, आप एक एक करके मोरिंगा के पीसेस डालिए और इसे कोट करके किनारे इसी प्लेट पर रखते जाइए। तो इस तरीके से हमने सारे मोरिंगा को कोट कर लिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक साथ सारे मोरिंगा नहीं डालना है, सारे मोरिंगा एक साथ डालेंगे तो अच्छे से कोट नहीं होंगे। और अब बिना समय गवाए तुरंत ही इसे हमें फ्राई करना है। एक पैन ले रही हूँ और इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ, ज़्यादा तेल हमें नहीं चाहिए, और इसमें हम एक एक करके मोरिंगा के पीसेस को डाल देंगे। मोरिंगा के पीसेस के ऊपर सूजी का ये जो कोट है ये बहुत हल्का सा लगा हुआ है, इसलिए इसे तुरंत ही हमें नहीं चलाना है। इसे हमें 2-3 मिनट थोड़ा सा फर्म होने देना है और उसके बाद बहुत सावधानी से आप इसे एक बार पलट दीजिए। धीरे धीरे करके इसे हम पलट देंगे और फिर हम इसे थोड़ा सा और कुक होने देंगे। फ्लेम हमें एकदम मीडियम टू लो रखना है और इसे हमें धीरे धीरे ही सेकना है और बहुत ज़्यादा बार नहीं चलाना है। आप चाहे तो पैन को हिलाकर भी इसे आप उलट पुलट कर सकते हैं और हर तरफ से उलटते पलटते हुए इसे हमें सेक लेना है। सेकने में हमें करीब 7-8 मिनट का समय लगेगा। और मोरिंगा की इस रेसिपी को बनाने के लिए आप हमेशा सॉफ्ट वाले, नरम वाले मोरिंगा ही लीजिए। बहुत मोटे साइज़ के कड़े मोरिंगा लेंगे तो आपको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मैंने आज इसे इस तरीके से बहुत कम तेल में स्टर फ्राई किया है, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मोरिंगा की यह रेसिपी महाराष्ट्रियन रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और सभी के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की और आपका मोरिंगा कैसा बना यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।